शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सैयदना अबू सईद खदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में दो बेश कीमत चीजें छोड़कर जा रहा हूं, उनमें से एक दूसरे से बड़ी है। अल्लाह ताला की किताब एक रस्सी है जिसको आसमान से जमीन की तरफ लटकाया गया है, और मेरी नस्ल मेरे अहले बैत हैं, और ये दोनों चीजें जुदा नहीं होंगी यहां तक कि दोनों मेरे हौस पर आ जाएंगी। सैयदना जाबर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने सामने वाली सिमत में एक सीधा खत लगाया और फरमाया, ये अल्लाह ताला का रास्ता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दो लकीरें दाएं तरफ और दो लकीरें बाएं तरफ लगाईं और फरमाया, ये शैतान का रास्ता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दरमियान वाले सीधे खत पर हाथ रखा और ये आयत तिलावत की, और ये कि ये दीन मेरा रास्ता है जो मुस्तकीम है, सो इस राह पर चलो और दूसरी राहों पर मत चलो कि वो राहें तुमको अल्लाह की राह से जुदा कर देंगी। उसका तुमको अल्लाह ताला ने ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो बातें जन्नत और दोजख को वाजिब करने वाली हैं। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, जन्नत और दोजख को वाजिब करने वाली वो दो बातें कौन सी हैं? आपने फरमाया, पहली बात तो ये कि जो आदमी इस हाल में मरा कि उसने किसी को अल्लाह का शरीक ठहरा रखा था तो वो दोजख में डाल दिया जाएगा, और दूसरी बात यह कि जिस आदमी की वफात इस हालत में हुई कि उसने किसी को अल्लाह का शरीक ना किया था तो वो जन्नत में जाएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला हमें इन अहादीस मुबारका पर अमल करने और अपनी जिंदगियों को संवारने की तौफीक अता फरमाए।